सेठी साहब, चलो सेठी साहब से पूछते हैं, सेठी साहब का क्या इरादा बताएं सर। अरे जी पहले तो ना सीरियस नोट, जहाँ मतलब है वहाँ दोस्ती कैसी? अरे क्या बात कर रहे हो, अरे गजब है, बिना मतलब के कैसी दोस्ती? नहीं अनिल जी दोस्ती में मतलब कहाँ से आ गया। बाकी अनिल जी ऑन अ लाइटर नोट, अनिल जी मतलब की दोस्ती करनी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से, और उनसे दोस्ती करने के पीछे कारण रहेगा अनिल जी केबीसी की हॉट सीट में आने का। बिकॉज ऐसा सुनने में आता है कि 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को और बहुत ही लकी होना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। हालांकि मुझे ये कंफर्मेशन नहीं है कि वेदर अमिताभ बच्चन जी भी वहां पहुंचा सकते हैं मुझे, बट फिर भी इस एक्सपेक्टेशन में कि केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचाएंगे अमिताभ बच्चन जी से दोस्ती करने। अरे भाई साहब क्या गजब कर रहे हो सेठी साहब, अमिताभ बच्चन नहीं पहुंचा पाएंगे तो कौन पहुंचाएगा केबीसी में? अगर अमिताभ बच्चन ने बोल दिया सेठी साहब सामने बैठे होंगे तो ही शो करूंगा, लो फिर बैठाएगा। लेकिन अगर आप मांगना ही है अमिताभ बच्चन से तो हॉट सीट क्या मांग रहे हो, सामने बैठ के इतनी मेहनत करनी, उसे सीधा बोलो 7 करोड़ रुपया प्राइज जीता हो। अनिल जी हाँ, पैसे के लिए नहीं चाहिए हॉट सीट। अच्छा छोड़ो, चलो पैसे के लिए नहीं चाहिए तो मैं दूसरी चीज बोलता हूँ, अरे जब अमिताभ बच्चन से मांगने तो बोलो कि मैं आपके साथ फिल्म में काम करूंगा, शाकाल का रोल करूंगा वैसा कुछ मांगो ताकि एकदम लाइफ लॉन्ग अमर हो जाए। तो अमिताभ से लेना है तो सर कुछ बढ़िया उनके साथ 2-4 फिल्में साइन करो, छोटे मोटे रोल कोई ऐसे रहे आपको साइड वाले ऐसे, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, कहीं सुमित जी को दिलवा देना, बाकी हमारे अगर कहीं लगे बंसल जी को तो दिलवा देना, बाकी मेरे लिए तो कुछ नहीं। जी सुमित जी को तो मेरिट पे मिल जाएगा। हाँ तो नहीं मेरिट वेरिट पे कुछ नहीं होता, मेरिट पे मिलना होता तो सबसे पहले मेरे को मिल जाता था, मेरिट वेरिट पे कुछ नहीं होता, रिकमेंडेशन से ही होता है, मतलब की दोस्ती है। तो चलिए ये है केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचने के लिए करेंगे हमारे सेठी साहब दोस्ती अमिताभ बच्चन से। वंडरफुल।